आई डोंट इवन रिमेंबर कि एक कौन सा पैक है इसका आई थिंक मैंने तीन चार सौ तो पहले यूज़ कर चुकी कर चुकी हूँ मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये है बायोडर्मा का सीवीएम जर्म सेंट इतना जेंटल फेस वॉश ही है इफ़ यू हैव लाइक एनी काइंड ऑफ इफ़ यू आर वेरी सेंसिटिव स्किन टाइप तो भी आप इस, इसको यूज़ कर सकते हैं आकने हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं इट्स लाइक सुपर सेफ एंड बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करता है एंड डेफिनेटली एक अच्छा सा ग्लो आप स्किन आपकी स्किन पर लेके आता है स्किन को ब्राइटनर भी करता है इफ़ आई वुड हैव टू रेट इट आई वुड रेट इट फोर पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव सेकेंड जो फेस वॉश है ना इट इज़ यू नो एक्चुअली मेड फॉर अकने पर ऑयली स्किन टाइप विच इज दिस वन ये है प्लम्प गुडनेस का सरिस लाइक एसिड फेस वॉश इट फाइट्स अकने एंड कंट्रोल ऑयल इसके ऊपर आई थिंक मैंने सेपरेट वीडियो भी किया आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को अगर हर एक डिटेल्स चाहते हो उस फेस वॉश के बारे में बट ये काफ़ी अच्छा फेस वॉश है फॉर्मिंग यू नो कंसिस्टेंसी में है स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है और स्किन पे कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह नहीं डालता स्किन को अच्छा हल्का सा ब्राइटनअप भी करता है और एक्ने वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा बिकॉज इसके अंदर साली सिलेक एसिड टू रेट इट आई वुड रेट इट थ्री आउट ऑफ फाइव इट्स इट्स अ नाइस फेस वॉश अभी रिसेंट फेस वॉश की बात कर रही हूँ जो कि uh, आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ अभी मेरे वॉशरूम में पड़ा रहता है इज दिस वन ये है डमा कोका टू परसेंट नियर से जेंटल स्किन क्लेंजर इसके मेरे पास दोनों हैं ये ड्राई स्किन टाइप के लिए ये ऑयली स्किन टाइप के लिए तो अभी समर्स आ रहे हो तो मेरी स्किन टाइप समर से तो थोड़ा ऑयली हो जाती है तो मैं इसे समर्स में यूज़ करूंगी बट स्ट्रीली नाइस लेकिन आजकल मैं इसे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज विंटर्स थे और स्किन ड्राई थी काफ़ी बहुत जेंटल ये फेस वॉश है अगेन स्किन को बहुत जेंटली क्लीन करता है डीपली यू नो बट स्किन को जितने भी फेस वॉशिज एक्चुअली मैं आज दिखा रही हूँ न स्किन को ड्राई नहीं करते मैंने आज से पहले जितने फेस वॉशिज ट्राई किए थे वो हमेशा स्किन को ड्राई करते थे बट स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करते ये फेस वॉशिज ये भी नहीं करता और जो भी मैं दिखा रही हूँ कोई भी ड्राई नहीं करता आई इफ आई वुड हैव टू रेट इट आई वुड रेट इट फोर पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव फाइव पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा इसे दिए हैं क्यों क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है तो हर कोई इसे ट्राई कर सकता है इसलिए नेक्स्ट फेस वॉश की बात करती हूँ बट इसकी हालत दिखाने में uh, मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा है बट या लुक एट इट ओके ये है मामाथ का एलो जेंटल फेस वॉश ये फेस वॉश ये फेस वॉश इतना अच्छा है कि इसकी ये हालत हो चुकी है बिकॉज uh, इसमें स्टिल थोड़ा सा फेस वॉश अब प्रोडक्ट अभी बचा ना नाइज लाइक कि मुझे बिल्कुल भी इसमें बचाना नहीं है बिकॉज दिस फेस वॉश इज़ दैट गुड इतना जेंटल है आपकी स्किन पे ऑलरेडी इसका नाम है जेंटल एलो एंड ग्लिसरिन जब आप इसे यूज़ करते हो ना आपको एक्चुअली टेक्सचर लगेगा आप ग्लिसरिन रहे हो या फिर एलोवेरा अप्लाई हो इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ टेक्सचर इसका स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है स्किन को ब्राइटन अप करता है यू नो आई हैव स्किन की मेरी स्किन का कॉम्पलेक्शन काफी एनहेंस हुआ है इसको यूज़ करके और आई थिंक ये काफी अफोर्डेबल भी है थ्री हंड्रेड के अराउंड में जाता है तो आई वुड रेटेड फोर पॉइंट फाइव आउट आउट ऑफ फाइव इट्स जस्ट दैट गुड नेक्स्ट जो ये दो फेस वॉशेस हैं एक है फ्रॉम द ब्रांड कोल्ड ओजोनी है उनका डी टेन फेस वॉश अगर काफ़ी टैनिंग वगैरह हो चुकी है ना आपके फेस पे तो आपको ये ट्राई करना चाहिए बिकॉज ये आपकी स्किन को यू uh, नो you know, दो तीन वॉश में ही आपकी स्किन से टैनिंग भी निकालता है एंड इसके साथ साथ आपकी स्किन को के कॉम्प्लेक्शन को काफी एनहेंस करता है यू नो आपका फेस को स्किन को काफी ज्यादा ब्राइटन अप भी करता है तो मुझे काफ़ी पसंद है इट्स ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल तो इफ आई वुड हैव टू आई वुड अगेन रेटेड फोर पॉइंट फाइव आउट आउट ऑफ फाइव इट जस्ट दैट गुड नेक्स्ट uh, जो है ये है फ्रॉम द ब्रांड कोल कुमकुम आदि स्किन रेडियंस फेस वॉश ये जो दोनों तो फेस वॉश है ना हर एक स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं तो अगेन फॉर द स्किन ब्राइटनेस स्किन ब्राइटनिंग के लिए काफी अच्छा है टैनिंग को रिमूव करता है स्किन का कॉम्प्लेक्शन एनहेंस करता है इट्स रियली नाइस रेटेड थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव एक और फेस वॉश है जो अभी खत्म हो चुका है और मैंने भी अभी ऑर्डर प्लेस किया अभी आया नहीं है बट आई वॉन्ट टू मैंशन दैट बिकॉज दैट फोन इज मई ऑल टाइम फेवरेट फेस वॉश प्लम गुडनेस का ग्रीन टी फेस वॉश उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया आप चेक करिए दैट फेस वॉश इज समथिंग गर्ल्स इतना अमेजिंग फेस वॉश है ना मतलब दैट इज़ लाइक टू गुड और मुझे मैं उसे फाइव फाइव आउट ऑफ फाइव ही रेट करूंगी काफ़ी अच्छा आप उसे चाय आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो इफ़ यूस दैन प्लीज टू लाइक यू कमेंट एंड विल मीट यू सोन इन एट अनदर वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग